गैंगस्टर ते नकेल कसन नु लेके पंजाब सरकार वालों बनाई एंटी टास्क फोर्स मुस्तैदी दे नाल काम कर रही है। अते जयपुर दे विच वड्डी कामयाबी हासिल करदे होए डेरा प्रेमी प्रदीप सिंह दे कतल मामले च छेवे शूटर राज हुड्डा नु गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब पुलिस का इनपुट था, उन्होंने यहाँ अपने एटीएस और जयपुर पुलिस से संपर्क किया था, उस आधार पर ही इस जगह को आइडेंटिफाई किया गया। उन्हीं के इनपुट पर एक टीम यहाँ पहुँची थी, जब टीम ने ये जो मुलजिम था राज हुडा करके इसको पकड़ने का प्रयास किया तो उसने भागने का प्रयास किया और फायरिंग की, जिसके बाद जो टीम ने फायरिंग की थी उसके उस पैर में एक गोली लगी है, जिसको अभी हमने हॉस्पिटलाइज किया है और बाकी जो दो लोग इसके साथ थे उनको भी राउंड अप किया, उनसे पूछताछ जारी है। जिक्र योग्य है कि हुण तक डेरा प्रेमी कतल मामले च छे शूटर गिरफ्तार हो चुके हैं, राज हुड्डा, जतेंद्र कुमार, भूपेंद्र गोल्डी, इस दे विच दो नाबालिग भी शामिल हैं अते मनप्रीत मणि। 10 नवंबर नु दिन दिहाड़े गोलियां मार के तड़क सवेर डेरा प्रेमी दा कतल हो जांदा अते छे दे छे शूटर कतल दी वड्डी वारदात नु अंजाम दे मौके तो फरार हो जांदे रे, जिस तो बाद दिल्ली पुलिस सांझे तौर ते काम करदी है, शूटरा दे पैर नप्पन लग जांदी है अते सब तो पहला जिथे दिल्ली स्पेशल सेल दी पुलिस तीन शूटरा नु पटियाला दे नजदीक पिंड तो गिरफ्तार करदी है, जिस दे नाल जतेंद्र कुमार दे नाल पुलिस दो कतल च शामिल नाबालिग नु वी काबू करदी है। प्रमोद जी, जिहड़ी एक खबर आ रही है कि जयपुर दे विच एक एनकाउंटर जिहड़ा की होया है ते उस दे विच एजीटीएफ वल्लों खास तौर ते एनकाउंटर कीता गया, कुछ जानकारी इहदे उत्ते दे सकदे सर? देखिए, जैसे आपको पता ही है फरीदकोट में कुछ दिनों पहले डेरा प्रेमी प्रदीप का मर्डर हुआ था, जो कि सारी प्लानिंग अब्रॉड से हुई थी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह भी क्लेम करी गई थी जी। उसका जो हरियाणा मॉड्यूल था उसका मेन शूटर था ये राज हुड्डा जी। इसके पीछे एजीटीएफ पंजाब पुलिस की टीमें काफी दिनों से लगी हुई थी जी। तो इसका मूवमेंट वॉज ट्रेस्ड इन फ्रॉम एरियाज नियर चंडीगढ़ टू हरियाणा टू राजस्थान जी। तो अल्टीमेटली आज लोकेट हुआ तो उससे देयर वाज अ ब्रीफ एनकाउंटर क्रॉस फायर हुआ जिसमें इसकी अरेस्ट हुई है एंड ही हैज बीन इंजर्ड इन द क्रॉस फायर। तो बिल्कुल इस खबर ते साडे नाल साडे सहयोगी पत्रकार अनमोल गुलाटी लाइव मौजूद ने, उन्हां तों वी जानकारी लवांगे। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੀਟੀਐਫ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਰ? ਦੇਖਿਏ, ਜੈਸੇ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੇ ਕੁਝ ਦਿਨੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਥਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਬਰੋਡ ਸੇ ਹੋਈ ਥੀ ਔਰ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕਰੀ ਗਈ ਥੀ ਜੀ। ਉਸਕਾ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਮੋਡਿਊਲ ਥਾ ਉਸਕਾ ਮੇਨ ਸ਼ੂਟਰ ਥਾ ਯੇ ਰਾਜ ਹੁੱਡਾ जी। इसके पीछे एजीटीएफ पंजाब पुलिस की टीमें काफी दिनों से लगी हुई थी जी। तो इसका मूवमेंट वॉज ट्रेस्ड इन फ्रॉम एरियाज नियर चंडीगढ़ टू हरियाणा टू राजस्थान जी। तो अल्टीमेटली आज लोकेट हुआ तो उससे देयर वाज अ ब्रीफ एनकाउंटर क्रॉस फायर हुआ जिसमें इसकी अरेस्ट हुई है एंड ही हैज बीन इंजर्ड इन द क्रॉस फायर। इस तो बाद हुशियारपुर के नजदीक मनप्रीत मणि अते भूपेंद्र गोल्डी नु भी पंजाब पुलिस पैड नप काबू कर लेंदी है, जब दोवे शूटरा दी छिपन च मदद करन वाला बलजीत सिंह मन्ना दोवा दे नाल बस अड्डे ते बैठ हिमाचल फरार होण दे लई बस दा इंतजार कर रहे सी अते हुण राजस्थान दे जयपुर तो इस कतलकांड च शामिल आखरी शूटर राज हुड्डा नु पुलिस ने एनकाउंटर तो बाद गिरफ्तार कर लिया। आज जो सेंट्रल की जो टीम है उसके साथ में साझा किया और उसी के निर्देश पे राजस्थान पुलिस, जयपुर की जो स्थानीय पुलिस है, स्पेशल जो टीम्स हैं यहाँ पे जो तो इस तरह के ऑपरेशन में शामिल रहती है, उनको सबसे पहले इस बारे में तस्दीक दी गई थी। जब इस ग्राउंड जीरो पे जब ये आसपास की उनकी पुख्ता लोकेशन मिल गई कि संभवतः वो इसी घर में, इस मकान के अंदर जो ये रूम बना हुआ है वहाँ पे मौजूद है, उसके बाद में पंजाब की पुलिस ने इस पूरे ऑपरेशन को लीड किया और उसको लीड करने के बाद में सबसे पहले गेट जो था उसको खटखटाया गया और उस गेट को खटखटाने के बाद में जब उसको बोला गया सरेंडर करने के लिए उसने सरेंडर नहीं किया और राजू हुड्डा की तरफ से जवाब में फायरिंग की गई थी और इसके बाद में जो पंजाब की टीम है उसने उस गेट को तोड़ा, गेट तोड़ के अंदर की जो टीम है वो अंदर घुसी और उसके बाद में उस मौके पर उसके पाँव में गोली मारी गई, आप आरोपी के जो राज हुड्डा था उसके पाँव में गोली मारी गई। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਕਤਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ ਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਦੇ 6 ਸ਼ੂਟਰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ